इमरजेंसी, ये माँ बनने वाली है और पेट के बल गिर गई है, बहुत खून बह चुका है, प्लीज कुछ कीजिए। ओके ओके नर्स, ओटी की तैयारी करना, बाकी की तैयारी मैं करती हूँ, आप चल। खून बहुत बह चुका है, माँ की और बच्चे की जान को खतरा बढ़ रहा है। कुछ नहीं होगा गौरी को, सुना आपने? महादेव मेरी गौरी और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। गर्व का प्यार गौरी और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। कहाँ जा रहे? ऊपर वाले से अपनी बीवी की जान की गुहार लगा दे। क्यों भोलेनाथ, क्यों क्यों आप हर बार गौरी को दुखों का मुकुट पहनाते हो? क्यों हर बार आप उसकी खुशियों को ग्रहण लगाते हो? क्यों? लोग कहते हैं आपकी इस पत्थर की मूर्ति के सीने में एक दिल है जो सबके दुखों को महसूस करता है। क्यों आपको उस गौरी का दुख दर्द नहीं दिखाई देता, उसका दुख महसूस नहीं होता आपको? क्यों? से पहले भी आपने हम दोनों से हमारा बच्चा छीना है, लेकिन अब नहीं, अब मैं आपको मेरे बच्चे के साथ कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा। मैं आपको मजबूर करूंगा मेरी गौरी और मेरे बच्चे की सही सलामती के लिए, मैं तांडव करूंगा और तब तक करूंगा जब तक आप मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में नहीं लेकर आते। गौरी की तबीयत कैसी है? गौरी और उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। गौरी का पहला बच्चा तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। थैंक यू डॉक्टर। हम गर्भ को बता कर आते हैं। गौरी अंदर बेहोशी की हालत में अकेली है, गौरी के बच्चे को खत्म करने का ये एकदम सही मौका है। ठीक है, मैं चेक करती हूँ।
उसने हमारी अनिता को दूर कर दिया, उसे गरीब और मजदूर की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। तुमने मुझसे मेरी बेटी को छीना ना, आज अब हम तुमसे तुम्हारा बच्चा दूर कर देंगे, छीन लेंगे उसे हम। गौरी और तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, मैं जानता था कि भोलेनाथ मेरे बच्चे और मेरी पत्नी के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। अगर महादेव, गौरी, डॉक्टर ने कहा कैसे कि गौरी कभी मां नहीं बन सकती, हमारी जवानी है वो जरूर मां बनेगी, और यही नहीं गौरी का पहला बच्चा तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। तुम गौरी को नुकसान पहुंचाने आई हो ना? अरे तुम्हें छोड़ तो नहीं लगी, देखो तो ये ठीक है कि नहीं। अरे तुम समझ कहीं नहीं रही, उस बच्चे पर महादेव का आशीर्वाद है, समझी ना? और हम तुमको आखिरी चेतावनी दे रहे हैं, अगर तुमने अपनी हरकतें बंद नहीं की, हम जाके सबको बता देंगे कि तुम पिछले 8 महीने से गौरी के बच्चे को मारने का प्लान कर रही हो। आ जाओ। दीदी हमको लगता है ना कि वो बंटी था। हाँ उसने बोला था ना कि हम गौरी से बदला लेने के लिए वापस आएंगे। सेम टू सेम शक्ल मिली ना तुम्हारे जैसी, इस शक्ल से तुम्हारे सर पर मौत बन के मंडराएंगे, हम कहते थे वापस जरूर आएंगे। बंटी हो सकता है, जिस दिन वो बंटी मेरे हाथ लगेगा मैं उसकी जान ले लूंगा। कुछ नहीं गौरी, तुम्हें बस चक्कर आ गया था इसलिए तुम यहाँ पे हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। अरे इतनी सी बात के लिए ऑपरेशन थिएटर? गर्ल जी हमारी बच्ची ठीक तो है ना? हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है गौरी, हमारे बच्चे पर भोलेनाथ की कृपा है, उसे दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति कुछ नहीं कर सकती, बहुत अच्छे से पैदा होगा हमारा बच्चा। और पैदा लेने के बाद बनेगा शकुंतला देवी का काल। तुमसे और हमारे इस बच्चे से मैं हमेशा तुम दोनों की रक्षा करूंगा गौरी, जब तक मुझ में जान है ना तब तक तुम दोनों का कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। आइए शकुंतला जी। बाबा आपने जो कहा था
वही हुआ। पर कोई तो तरीका होगा इस संकट को टालने का। आप जो कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं। जितने पैसे खर्च होंगे हम करने को तैयार हैं। आपको यज्ञ करने हैं, कोई पूजा करनी है, दान पुण्य करना है, हम सब करने को तैयार हैं। पर किसी तरह से संकट को टाल दीजिए। कर्म का फल मिलके ही रहता है शकुंतला जी, और नियति को बदलना हम मनुष्यों के हाथ में नहीं है। पर कोई तो तरीका होगा इस संकट को टालने का। शकुंतला जी, काल को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए चली जाइए यहाँ से, जाकर अपने अंत का इंतजार कीजिए। अगर नियति नहीं बदली जा सकती तो इंसानियत की हर हद को पार करके हम नियति को बदलेंगे। अपने काल का काल बनेंगे हम। हिम्मत रखो गौरी, मैं हूं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी हिम्मत रखो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हमें बहुत ज्यादा। प्लीज सर, आप बाहर ही रुकिए। हे भोलेनाथ, आज आपकी भक्त गौरी की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज उसके और उसके होने वाले बच्चे की रक्षा करना भोलेनाथ। क्या हो रहा है दीदी? ये उस गौरी के बच्चे को दुनिया में आने से रोकने का इंतजाम है। याद कीजिए दीदी, बाबा ने कहा था ना कि वो बच्चा आपकी जिंदगी का काल है। इसीलिए हमने सोचा कि उस बच्चे को दुनिया में आने से रोकने के लिए हवन करवा लिया जाए। इस बाबा का दावा है कि हवन का असर ऐसा होगा कि वो बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मरा हुआ होगा। हमने कहा ना, हम नहीं मानते इन सारी बातों को। वो छोटा सा बच्चा क्या ही कर लेगा। बंद करो ये सब। दीदी, अक्सर छोटी ही चीजें ना बड़े विनाश का कारण बनती हैं। ये आपके जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। जय भोलेनाथ। बस इस बाबा के हवन का चमत्कार हो जाए और बच्चा मर जाए। होश में रहो, होश में। बच्चा तो पेट में उल्टा हो गया है, अब क्या करें? मैडम, तो फिर डिलीवरी प्रॉब्लम हो सकती है। बाबा जी, इस हवन का असर होगा ना,
इन तेज लपटों का अर्थ है कि हमारे हवन ने असर करना शुरू कर दिया। प्लीज जल्दी कीजिए, बहुत दर्द हो रहा है हमें, जल्दी कीजिए। पेशेंट एक नहीं दो बच्चों को जन्म देने वाली है, हम रिस्क नहीं ले सकते। आप टेंशन मत लीजिए, डिलीवरी में थोड़े कॉम्प्लिकेशन है लेकिन आप हम पर भरोसा रखिए, सब सही हो जाएगा। डॉक्टर, हम पहले भी अपना बच्चा एक बार खो चुके, इस बार अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ तो हम जीते जी मर जाएंगे। डोंट वरी गौरी, थोड़ा सांस रखो, सब हो जाएगा। हमारे बच्चे की रक्षा कीजिए। हम बच्चे को घुमाने की कोशिश करें। एक डीप ब्रेथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बच्चे सही पोजीशन में आ गया, गौरी जोर लगाओ, पुश करो गौरी, पुश करो। ये शकुंतला जी आखिरी आहुति दीजिए, इसके बाद आपका काल टल जाएगा। दीदी चाहिए और अपनी मौत को रोक दीजिए। आइए ना दीदी, लीजिए। दीदी दीजिए, लीजिए दीदी। खंडित हो गया। आए,
हेलो मामी, खुशखबरी है। दीदी, आपके कान में जन्म ले लिया है। शकुंतला जी, बाबा जी के मना करने के बावजूद भी हमने ये हवन पूजा किया, लेकिन हम आपसे कह देते हैं जो जन्मा है वो काल नहीं महाकाल है। उसके जन्म ने आपके जान को खतरा ला दिया है। बिना अपने मौजूदगी के उसने हवन को खंडित कर दिया है। दीदी, बाबा की भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है। गौरी का पहला बच्चा तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.